सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह का गेमिंग लाइव थंबनेल बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे सिर्फ पबजी को एग्जांपल के लिए सिलेक्ट किया है। आपका चाहे यहाँ पे कौन सा भी गेम आप इजीली इस तरह का थंबनेल बना सकते हो। कैसे आप बना सकते हो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ये वाला ब्लैक बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। और जितने भी यहाँ पे बैकग्राउंड पीएनजी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वीडियो पूरा देख लो, इसका डाउनलोड कर लेना। तो जो बैकग्राउंड है ये अभी स्क्वायर शेप में है, हमें यहाँ पे थंबनेल के साइज में चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ जो क्रॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट में चल जाना है और यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कर देना डन। तो आपके यहाँ पे जो बैकग्राउंड है थंबनेल के साइज में क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, जो कि ये रहा। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद आपके यहाँ पे इस तरह से इसे जूम करना है बिल्कुल फुल स्क्रीन, और ये करने के बाद आपके यहाँ पे जो एडजस्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर सैचुरेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सैचुरेशन को बिल्कुल -100 कर देना, तो आपका जो फोटो है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। यहाँ से डन। एंड इसका जो यहाँ पे ओपेसिटी आपको डिक्रीज कर देना है, मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ 40-30% के बीच में। फिर यहाँ से डन। तो ये हो जाने के बाद आपका जो इफेक्ट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो ब्लर वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ब्लर है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, और इसके अमाउंट को रख लेना 3%। फिर यहाँ से डन। जो देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से जाएंगे ऐड फोटो वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रेनबो वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पे आप कौन से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से डन। ये हो जाने के बाद आपको जूम करके इस वाले पार्ट पे इस तरह से एडजस्ट कर देना है, मैं जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपके यहाँ पे यहीं पे कहाँ पे भी टैप कर देना है। टैप करने का देख सकते हो आपके सामने फिर से ऐड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना और अपने फोटो को ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे पबजी के यहाँ पे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपका दूसरा गेम है लाइक फ्री फायर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आप सिंपल गूगल पे जाना, उसके कैरेक्टर का नेम सर्च कर लेना, तो आपको काफ़ी सारे पीएनजीस मिल जाएगा, उसमें से एक डाउनलोड करके ऐड कर लेना। मैंने यहाँ पे पबजी के एग्जांपल के लिए ऐड किया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे इसे रोटेट करना है, तो इसे रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लिप एंड रोटेट वाला ऑप्शन पर जाना है और थर्ड वाला आइकॉन पर क्लिक कर देना, तो इस तरह फ्लिप हो जाएगा। तो फ्लिप हो जाने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक कर देना, तो इसी का देख सकते हो एक और डुप्लीकेट लेयर आ जाएगा। इसे आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे जो मूव डाउन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो देख सकते हो पीछे चले जाएगा। नेक्स्ट इसके ओपेसिटी को डिक्रीज कर लेना, मैं इसके ओपेसिटी को रख लेता हूँ लगभग 20%। फिर हमारे यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, और बॉर्डर के यहाँ पे जो कलर है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑरेंज। तो यहाँ पे इस वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके यहाँ से डन। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ डन, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से ऐड फोटो पे जाएंगे, और इस बार हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस पीएनजी को, और इसे ऐड करने के बाद आपको इस वाले पार्ट पे कॉर्नर में एडजस्ट कर देना है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। फिर यहीं से मैं वापस से ऐड फोटो पे जाता हूँ, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस वाले स्मोक के पीएनजी को, और इसे ऐड करने के जस्ट आपको इस तरह से इसे जूम करना है और इस वाले पार्ट पर एडजस्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो कलर है ये येलो कलर में है, तो इसके कलर को चेंज करने के लिए आपके यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ पे ह्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और इसका जो अमाउंट है आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, तो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से जूम करके एडजस्ट कर देना। फिर यहाँ से डन। नेक्स्ट हम वापस से ऐड फोटो पे जाके एक स्मोक के पीएनजी को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे ब्लैक वाले पार्ट को रिमूव करने के लिए आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन पर जाना है, और ब्लेंड को आपको कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरफ इसे रोटेट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट इसके भी कलर को चेंज करने के लिए आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाना है, ह्यू पे जाके स्क्रीन ह्यू को आपको डिक्रीज कर देना है, तो ये भी ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से डन। फिर इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज करके यहाँ से भी डन कर देना। नेक्स्ट हम ऐड फोटो पे जाके पार्टिकल्स के पीएनजी को ऐड कर लेंगे, और इसे ऐड करने के बाद इस तरह से जूम कर लेता हूँ। फिर आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाके ब्लेंड को कर देना है स्क्रीन, और इस तरह से जूम करके एडजस्ट कर देना। ओपेसिटी वाला ऑप्शन में जाना, ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज, और यहाँ से डन। नेक्स्ट हम वापस से ऐड फोटो पे जाके एक और पीएनजी को ऐड करेंगे, और इसे भी इस तरह से फुल स्क्रीन कर देंगे। फिर ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाके इसे भी कर देंगे स्क्रीन, इसके भी ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ से डन। तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है, और इस फोटो में टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको इस फोटो को लेके जाना है पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो 3 डॉट वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना, और हमने यहाँ पे जो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में सेव किया था फोटो को उसे ऐड कर लेंगे। यहाँ से डन। इसे ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट नहीं आ रहा है, तो सिंपल आपका मुझे प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे डबल टाइप कर देना है, और यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हो उसे टाइप कर लेना। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थंबनेल टाइप कर लेता हूँ, आपका मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। फिर आपके यहाँ पे जूम करके इसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपका जो ए वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो माई फॉन्ट्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको इस वाले फॉन्ट को यूज़ कर लेना है जिसका नाम यहाँ पे देख सकते हो डार्क कॉलेज। इस फॉन्ट का भी लिंक आपको स्टॉक लिंक में मिल जाएगा। और पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो जाने के बाद आपको ये वाला जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है कॉपी का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इसी का यहाँ पे एक और लेयर आ जाएगा, फिर वापस से पेंसिल पर क्लिक करना, कॉपी पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और लेयर आ गया। तो यहाँ पे टोटल तीन लेयर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मिडिल वाला लेयर है इसके ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे। इस लेयर का लॉक करने के देख सकते हो यहाँ पे आप इसे कितना भी कर लो यह मूव नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे। फिर इसका जो कलर है आपको यहाँ पे रख लेना है ब्लैक कलर, और यहाँ से कर देना डन। ये हो जाने के बाद आपको जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसे कर देना इनेबल, और इसके कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेना। स्ट्रोक के अमाउंट का आपके यहाँ रख लेना F5, और यहाँ से भी डन। जस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से नीचे लेके आ जाना है इसे। फिर आपको इस वाला आइकन पे वापस से क्लिक करना है, और इस लेयर को थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना, और इसको इस लेयर के नीचे लेके आ जाना। तो देख सकते हो यहाँ पे पीछे चले जाएगा। नेक्स्ट आपके यहाँ पे ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे जाना है इसे बैक करके। तो ये रहा ओपेसिटी, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ओपेसिटी को आपके यहाँ पे रख लेना है 25%। तो मैंने यहाँ पे इसे रख लिया, यहाँ से कर लेता हूँ डन। ऐसे ही आपके यहाँ पे जो दूसरा वाला लेयर है इसके साथ भी सेम टू सेम कर लेना है। कलर पे जाना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना, स्ट्रोक पे जाके वाइट कलर, अमाउंट को 5, और यहाँ से डन। फिर इसके भी लेयर को नीचे ला के इसके ओपेसिटी को कम कर देना, और यहाँ से डन। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, और यहाँ से ग्रेनेट के PNG को ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया है। इसे ऐड करने के बाद इसके साइज़ को छोटा करके इस वाले पार्ट पे एडजस्ट कर लेना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और इसको डबल टैप करके इसे कट कर देंगे। और यहाँ पे भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ पे मैं गेमिंग टाइप कर लेता हूँ। फिर आपको कलर वाला ऑप्शन में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर फॉन्ट वाला ऑप्शन में जाना, और माई फॉन्ट्स पे जाके इस वाले फॉन्ट को यूज़ कर लेना, बिल्कुल लास्ट वाला जो फॉन्ट है। नेम इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ इस वाले पार्ट पे, और ऐसे ही मैं पे दूसरे टेक्स्ट को भी ले लेता हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस है। तो इसे मैं फटाफट से कर लेता हूँ, इसका बताऊँगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो हमारा गेमिंग थंबनेल यहाँ पे फाइनली रेडी हो चुका है, देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। इसके बाद इसे आपको फुल क्वालिटी में सेव करने के लिए हमें जो 3 डॉट वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देना, और एक्सपोर्ट इमेज पे यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे जो डायमेंशन है इसे आपको यहाँ पे रख लेना है अल्ट्रा पे, और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना। तो आपका जो थंबनेल है फुल क्वालिटी में गैलरी में सेव हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको फ्यूचर में ऐसे और वीडियोस देखना है तो, और एक अच्छे से कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।